आज डिस्कस करेंगे पास्कल लॉ के बारे में। जो पास्कल लॉ है वो क्या बताता है? जो पास्कल लॉ है, जो इसको नेम दिया गया है, वो क्यों दिया गया है पास्कल लॉ? क्योंकि जो ये नेम है, जिन्होंने ये इन्वेंट किया था, जिन्होंने इसके बारे में बताया था, उनके नाम पे इसको ये नाम दिया गया था। तो ब्लेज पास्कल थे, तो उन पास्कल इसलिए इसको नाम दिया गया था कि ये पास्कल लॉ है। तो उन्होंने क्या बताया? उन्होंने ये बताया कि जब भी हम कोई इनकम्प्रेसिबल फ्लूड लेते हैं, अगर मान लीजिए कोई इनकम्प्रेसिबल हम फ्लूड लेते हैं, इनकम्प्रेसिबल, इनकम्प्रेसिबल मतलब जो कि कंप्रेस ना हो, तो थ्योरेटिकली एक तरह का इनकम्प्रेसिबल फ्लूड जिसको हम कंप्रेस ना कर पाए, कंप्रेसिबल ना हो वो, तो अगर हम उसको किसी क्लोज्ड चैम्बर में ले, मान लीजिए कोई क्लोज्ड पाइप है, इस तरह की पाइप है, मान लीजिए कोई क्लोज्ड पाइप है, इस तरफ से भी क्लोज है, इस तरफ से भी क्लोज है, और इसके अंदर है जो इनकम्प्रेसिबल फ्लूड है, इसके अंदर है, तो अगर हम इसको एक तरफ से प्रेशराइज करते हैं, तो सारा जो प्रेशर है, मान लीजिए इस तरफ से मैं इसको प्रेशराइज करता हूँ, यहाँ से प्रेशर अप्लाई करता हूँ P1 मान लीजिए, तो इस तरफ से अगर मैं प्रेशर लगाता हूँ, तो जो ये होल प्रेशर है वो इसके मॉलिक्यूल्स के थ्रू आगे से आगे ट्रांसफ़र होता चला जाएगा। मीन्स क्या होगा कि जितना प्रेशर हमने इस पॉइंट पे अप्लाई किया है, उतना ही प्रेशर हमें इस पॉइंट पे मिलेगा जो कि P2 है, मीन्स P1 इक्वल टू P2 होगा। प्रेशर जो है वो अप्लाई होता चला जाएगा, और वो क्या होगा, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएगा। तो जितना चेंज यहाँ पे प्रेशर में होगा, उतना ही चेंज हमें वहाँ पे मिलेगा। तो जो ये पास्कल ने ला दिया था, एक बहुत बड़ा ही इंटरेस्टिंग ला था, इसके थ्रू जो हाइड्रोलिक हमारे लिफ्ट्स हैं, हाइड्रोलिक जैक हैं, वो सारे इसी तरह से काम करते हैं, इसके जो प्रिंसिपल पे काम करते हैं। तो वो कैसे, वो देखते हैं। देखिए इसके अंदर क्या है, किसने कहा कि इनकम्प्रेसिबल फ्लूड हो, अगर उसको हम दबाएं तो जो उसको प्रेशर है वो सारी डायरेक्शन में मूव होता हुआ दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफॉर्म होता है, और वहाँ पे वो सेम पहुँचता है। तो इसका यूज़ अगर हम, यहाँ पे हमने दो फिगर बनाई हैं, इनके अंदर करें तो क्या होगा? देखिए ये एक तरह की, इस तरह की यू टाइप की ट्यूब है, और यहाँ पे हमने एक पिस्टन लिया है जिसका एरिया A1 है, इसको हम ले लेते हैं 1, जो इसका एरिया है 1 ले लेते हैं, और जो फोर्स इसके ऊपर हम अप्लाई कर रहे हैं वो भी हम ले लेते हैं कि 1 है, 1 न्यूटन ले लीजिए, जो भी इनकी यूनिट्स हैं वो आप ले लीजिए। तो फोर्स हमने 1 अप्लाई की, एरिया जो है वो भी इसका 1 है, तो प्रेशर हमने यहाँ पे अप्लाई किया, तो प्रेशर P1 अप्लाई किया, तो प्रेशर P1 क्या होगा, F1 बाई A1, F1 बाई A1 मीन्स F/A होता है प्रेशर, फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया, तो P1 यहाँ है F1 बाई A1। जब हमने इसको नीचे की तरफ, जब फोर्स इसके ऊपर अप्लाई की 1 न्यूटन या 1 किलो न्यूटन, जो भी आप फोर्स की यूनिट लेना चाहते हैं, तो जब आपने इसको अप्लाई किया, तो जो प्रेशर होगा इस फ्लूड के थ्रू यहाँ से इस तरह से ट्रांसफ़र होगा, जो कि इस कंटेनर की वाल्व पे भी लगेगा, कि सारी डायरेक्शन में ये जो सेम अप्लाई होगा, जब जैसे ही हम फोर्स को अप्लाई करेंगे, तो ये फोर्स जो ये प्रेशर है इस तरह से चलेगा और हमारा पहुंचेगा सेकंड पॉइंट तक, जहाँ पे इसको ओपनिंग मिलेगी, जहाँ पे ओपनिंग मिलेगी। तो यहाँ सारी कंटेनर की वाल्व्स हैं, तो यहाँ से आके ये, यहाँ से आके इस पिस्टन के निचले हिस्से पे जोर लगाएगा। अब यहाँ पर भी क्या लिया है हमने, सेम लिया है, जो इस पिस्टन का एरिया है वो 1 है, जो F1 हमें मिलेगी वो भी 1 मिलेगी, और P2 है जो F2 ले लीजिए, इसको 2 पॉइंट है, A2 F2, तो क्या आ जाएगा, F2 बाई A2, तो मीन्स P1 इक्वल टू P2 रहेगा, इसका ये कहना है। तो ठीक है कि जितना एरिया होगा और जितनी हम फोर्स अप्लाई की इस साइड, जो लेफ्ट हैंड साइड थी, तो उतना ही हमें प्रेशर मिला राइट हैंड साइड, मीन्स P1 इक्वल टू P2 रहा, या फिर हम इसको लिख सकते हैं जो ΔP1 है, कि जितना चेंज इन प्रेशर हमने P1 में इस साइड किया, तो वो इक्वल टू होगा ΔP2 के। तो ये तो है एक सिंपल सा जो पास्कल लॉ बोलता है, लेकिन अगर हम इसको थोड़ा मॉडिफाई करें कि क्या करें, जो राइट हैंड साइड वाली ट्यूब है इसको थोड़ा हम लार्ज कर दें, मीन्स इसका जो पिस्टन का एरिया है A2, मान लीजिए हम उसको 10 ले लेते हैं, 10 ले लेते हैं, और जो हमारा ये है
ए वन, इसको हम वन ही रखते हैं, इसको हम टेन कर देते हैं, तो क्या फर्क पड़ेगा? यहाँ तो हमने सेम रखा और सेम फोर्स इसने इसको दे दी, तो अब क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, ए वन हमने वन रखा, ए टू जो है एरिया इसका वो हमने टेन कर दिया, मीन्स टेन टाइम कर दिया जो भी था। तो यहाँ पे हमने फोर्स अप्लाई की एफ वन, जो कि वन है, 1 न्यूटन या 1 किलो न्यूटन जो भी आपको लेनी है, 1 न्यूटन हमने अप्लाई की। तो यहाँ पे हमें फोर्स कितनी मिलेगी? तो यहाँ पे जो हमें फोर्स मिलती है एफ टू, वो कितनी मिलती है वो देखनी है। और प्रेशर जब हम अप्लाई करते हैं, जब प्रेशर हमने अप्लाई किया, अब फोर्स और एरिया हमने दे दिया है, तो प्रेशर हम निकाल सकते हैं, जो हम बोलते हैं डेल पी वन इक्वल टू डेल पी टू है। तो पी वन किसके बराबर है? एफ वन बाई ए वन के, और पी टू एफ टू बाई ए टू के। अब देखते हैं कि एफ टू कितने अप्लाई होगी, तो एफ टू हमें निकालनी है। तो एफ टू क्या आएगी, यहाँ से देखिए, एफ वन इंटू ए टू आ जाएगा, ए टू इस तरफ आ जाएगा और ए वन इस तरफ चला जाएगा, एफ टू इंटू ए वन ये आ गया। तो एफ टू अगर हम यहाँ से निकालें तो क्या आएगा, एफ टू आ जाएगा ए टू बाई ए वन इंटू एफ वन, मीन्स ये आएगी हमारी एफ टू फोर्स जितनी होगी। तो एफ टू फोर्स कितनी आएगी, एक तरह से देखा जाए कि ए टू बाई ए वन, ए टू बाई ए वन अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, 10/1 इंटू जो कि हमारी एफ वन है, एफ वन है 1, तो ये क्या आ गया, 10 आ गया। तो मीन्स एफ टू जो आएगी वो 10 टाइम ज़्यादा आएगी, मीन्स एफ टू आएगी 10 टाइम मल्टीप्लाई हो चुकी है अगर हम यहाँ से एफ टू निकालते हैं। अगर एफ वन हमने 1 अप्लाई किया है, एरिया भी 1 है, तो एफ टू 10 टाइम बढ़ जाएगी, मीन्स फोर्स मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। तो अगर एक तरह से देखें कि यहाँ से हमने फोर्स को 1 अप्लाई किया और उधर 10 टाइम हो गई, तो एक तरह से हमें लगता है कि ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को वायोलेट करता है ये चीज़, कि उसको ये फॉलो नहीं करता। लेकिन अगर हम इसको डीपली समझेंगे तो ऐसा नहीं है। जो एनर्जी कंजर्वेशन वो कहती है, वो कहती है कि एनर्जी कांस्टेंट रहती है। तो यहाँ हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि एनर्जी किस तरह से कांस्टेंट रहती है। अब इसमें एक चीज़ और ऐड करते हैं, एक चीज़ ऐड करते हैं हम डिस्टेंस, कि जिस इस पिस्टन ने कितना डिस्टेंस मूव किया। मान लीजिए इस पिस्टन ने 10 डिस्टेंस मूव किया, 10 नीचे की तरफ आया, और ये पिस्टन जाएगा 1 ऊपर की तरफ। ये आप समझे कि 10 टाइम जब ये नीचे मूव करेगा, तो ये जो बड़ा पिस्टन है, क्योंकि इसका एरिया जो 10 है और फोर्स मल्टीप्लिकेशन 10 है, तो ये 1 ही ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, हम अगर वर्क डन की बात करें, वर्क डन कितना होगा, W1 इक्वल टू W2 होना चाहिए इस तरफ का और इस तरफ का, W1 इक्वल टू W2। तो W1 क्या है, फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स इंटू डिस्टेंस। मान लीजिए एक्स है, F1 X1 लिख लीजिए, और ये है F2 इंटू X2, फोर्स इंटू डिस्टेंस। अब देखिए F1 कितना है, 1, और X1 कितना है, 10, ये X1 है जो कि ये 10 नीचे मूव हुआ है, डिस्टेंस ये 10 है। अब F2 कितना है, 10, F2 10 टाइम मल्टीप्लाई हुआ है, और ये कितना है X2, ये है 1। तो यहाँ पे देखिए 1 इंटू 10 और 10 इंटू 1, मीन्स वही बराबर होगा, जो वर्क डन होगा वो बराबर होगा। तो इसमें ऐसा नहीं है कि फोर्स की मल्टीप्लिकेशन होगी और ये एनर्जी कंजर्वेशन लॉ को फॉलो नहीं करेगा, एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहेगी। हम उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे, एक चीज़ को दूसरी चीज़ में कन्वर्ट जरूर कर सकते हैं। तो इसी तरह जैसे वर्क डन है, हमने दिखाया कि वर्क डन तो बराबर रहेगा इस साइड भी और उस साइड भी, हाँ फोर्स की मल्टीप्लिकेशन हम इस मेथड से कर सकते। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं कि जो वर्क डन है लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे इक्वल रहता है, ये किसी भी लॉ को, जो एनर्जी कंजर्वेशन के लॉ है, उनको वायलेट नहीं करता, उनको फॉलो करता है। तो यह है पास्कल लॉ, जो कहता है कि एक तरफ से अगर हम अप्लाई करते हैं फोर्स, या प्रेशर की बात कर रहे हैं कि प्रेशर अप्लाई करते हैं, तो दूसरी तरफ भी जो प्रेशर है वो सेम रहेगा, P1 इक्वल टू P2 रहेगा, जिससे हमें फोर्स की मल्टीप्लीकेशन मिल सकती है, लेकिन वर्क डन हम इक्वल लेते हैं। तो ये था पास्कल लॉ। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।